पैंटों से लिपटे हो काले विकराल भुजंग, वन मयूर के आते ही जो होते शिथिलित उनके अंग। बोलिए देव आदिदेव मूल नायक सीवनी वाले बड़े बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चार पंक्तियां गुरु चरणों में। दिन दूनी और रात चौगुनी मुनि पद महिमा बढ़ा रहे, जिन शासन के दीप्त दीप हो और उजाला दिखा रहे। बद कर्म के गुड़ मूल पर घात लगाते कुशल रहे, रिद्धि सिद्धि परिषिद्धि छोड़ कर जिन पद पाने मचल रहे। बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, समाधिस्त वात्सल्य श्रोमणी आचार्य गुरुवर विमल सागर महाराज की, परम पूज गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अप्रमित सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सही सागर जी महाराज की। महानुभावों, रत्नत्रय से विभूषित ये तीन रत्न जहां मंच पर विराजमान हैं, यद्यपि अमृतमयी वाणी को पीकर के कुछ सुनने का मन नहीं करता, लेकिन गुरु आज्ञा हुई, बहुत स्थानों पर अगर कभी सोनागिर के चंदा प्रभु जाएंगे तो वहां बाजू में एक शिलालेख लगा है कि यह मंदिर और यह मूर्ति तीसरी शताब्दी में थी। जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो भगवान की पादपीठ तक मार्बल लग गया, लेकिन जो प्रशस्ति नीचे दबाई है उस प्रशस्ति को सातवीं शताब्दी में एज इट इज वाजू में लिखा हुआ है, चैतन्य बिंब है। महावीर जी के मंदिर पर जाएंगे तो वहां भी मंदिर के जीर्णोद्धार पर, तो हम प्राचीन वास्तु को नष्ट नहीं कर रहे। प्रतिष्ठा तिलक में आचार्य वशुनंदी जी ने उल्लेख किया है कि अगर लकड़ी की वेदी हो तो उसे धातु की बनाएं, ईंटों की वेदी हो तो सुंदर मार्बल लगाएं, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करें। भगवान से डरना भी है और डरना भी नहीं है। डरना इस संदर्भ में है कि कोई अभिनय ना हो, और डरना इस संदर्भ में नहीं है कि पूरी वेदी जीर्ण शीर्ण हो जाए और कल को कोई अभिनय हो, उससे पूर्व हम चेत करके उस वेदी को सौंदर्यीकरण और स्थायीकरण प्रदान करें। तो गुरु आज्ञा से और भी कई स्थानों पर अगर कभी आगरा जाएं तो ताजमहल के सामने भगवान पार्श्वनाथ का बहुत सुंदर मंदिर है, जहां से बिल्कुल ताज की गुंबद दिखती है और ताजमहल से प्राचीन मंदिर है। सन 2014 में आचार्य पुलक सागर जी महाराज की सन्निधि में उस वेदी को, उस मूर्ति को भी जो 500 साल से स्थापित थी इसलिए उठाया गया, क्या नीचे की पूरी वेदी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। ग्वालियर में स्वर्ण मंदिर है, 2017 में आचार्य ज्ञान सागर जी की सन्निधि में मूल नायक प्रतिमा को उठा करके पुनः उसी स्थान पर विराजमान किया गया। बंबई में यदि मंदिर जाएंगे तो भूलेश्वर के मंदिर में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा आचार्य पुष्पदंत सागर जी की सन्निधि में, उस वेदी का भी जीर्णोद्धार कर, क्योंकि वहां लकड़ी की वेदी ऊपर से चांदी की परत थी, नीचे से जीव जंतु छोटे सूक्ष्म जीव आ जाते थे, तो वहां भी जीर्णोद्धार किया गया। तो हम विधि पूर्वक विनय पूर्वक गुरु सन्निधि में हम आज हमने यहां पर देव आज्ञा ली, गुरु आज्ञा ली, ध्वजारोहण किया और आज दोपहर 12:30 बजे से यहां कल्याण मंदिर स्त्रोत विधान जो आचार्य कुमुद चंद स्वामी का है उसी की चार पंक्तियां मैंने यहां मंगलाचरण में
हिंदी पद्य अनुवाद पंडित कमल कुमार खुरई वालों का था। वह पंक्तियां मैंने यहां दोहराई। तो दोपहर कल्याण मंदिर विधान यहां पर पूज्य श्री की सन्निधि में सायं उसके विधान के तत्काल उपरांत 3:30 और 4 बजे के लगभग 81 कलशों से अस्थाई वेदिका की शुद्धि और वेदिक के वास्तु संस्कार करेंगे। जाप और भक्तियां, रात्रि को महाआरती, कल प्रातः 7 बजे बृहद शांति धारा, सबसे बड़ी शांति धारा, फिर ठीक 8:30 बजे से पंच कल्याणक विधान छोटे रूप में, वेदी की निष्ठापन विधि का कार्य और भगवान श्री जी से आज्ञा लेकर के उनकी वेद प्रतिमा को, पावन बिंब को पूज्य श्री कृष्ण निधि में अस्थाई वेदिका पर विराजमान करेंगे और उसके बाद बृहद हवन शांति। इस प्रकार ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, आप सब जैसे पूज्य श्री ने कहा कि भावों की विशुद्धि रखें, सब प्रकार के लोग होते हैं, जिस परंपरा में पूज्य श्री बैठे हैं उस परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए और वो 3 बातें कहते थे कि जो साधु बने विद्वान बने उसे 3 बातें याद रखना चाहिए, कहीं घी में सना, कहीं खाली चना और कहीं वह भी मना। तो कहीं बहुत सारे सम्मान की बात आती है, कहीं साधारण बात आती है और कहीं पर बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी आती हैं, और तीनों परिस्थितियों में जहां समता भाव योगी की तरह रखता है वही इस जिन शासन के मार्ग में उद्योतर होता है। तो मैं गुरु चरणों में अपनी प्रणमांजलि नमन निवेदित करता हूं कि शक्ति जो शिखर जी में बैठे हैं उनकी है, आज्ञा जो यहां विराजमान है उनकी है, और आप सबकी भावनाएं भक्ति है। हमारा एक ही ध्येय है कि जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, जैसे आज पूरे भारतवर्ष में सिवनी के गगनचुंबी शिखर जिनाले जाने जाते हैं, वैसे ही वहां रजत वेदिका भी बड़े बाबा पार्श्वनाथ की जानी जाए। इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की।